अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कुछ बिजी थी इसलिए जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अब मैं डेली जो है कोशिश करूँगी 4 to 5 वीडियोस अपलोड करती जाऊँ, इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, और जब तक एग्जाम्स नहीं आप लोग कहते, और इंशाल्लाह एग्जाम्स के करीब करीब प्रेजेंटेशन के हवाले से भी वीडियोज़ जो है मैं जल्दी से अपलोड करना शुरू कर दूँगी इंशाल्लाह। और BA और BSc पार्ट 2 के पेपर्स चल रहे हैं, उनके लिए सॉरी मुझे टाइम नहीं मिल पाया। इंशाल्लाह BA BSc पार्ट 1 जो है उनके लिए काफ़ी सब्जेक्ट्स जो है मैं कवर करने की कोशिश करूँगी कि पास पेपर्स जो है और साथ प्रेजेंटेशन जो है उनकी अपलोड करती जाऊँ। तो चलते हैं आज की वीडियो जो है, अभी सीरीज़ चल रही थी इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 जो है उनकी मैं इंग्लिश की जो है वीडियोस अपलोड कर रही थी, तो काफ़ी टॉपिक्स पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको मैं क्लियर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद जो है बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करूँगी इंशाल्लाह। इसके बाद उर्दू का पहले सब्जेक्ट पकड़ूंगी क्योंकि उसमें टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं इंग्लिश और उर्दू की तरह, इंग्लिश की तरह। अब जो है चलते हैं आज की वीडियो जो है इंटर पार्ट 1, उसमें 2014 से 2018 पास पेपर्स जो है उसमें 1 लाख प्लेस जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का ग्रुप 1 ग्रुप 2 2014 से 18 पाँच साल जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको रीड आउट करेंगे इंशाल्लाह। और व्यूअर्स अगर आप लोगों को इमेज क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो आप जो है अपने YouTube में वीडियो क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करके जो हाई क्वालिटी है उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियरली सारा कुछ नज़र आएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले 2014 है, ग्रुप 1 है, व्हाट डज हैरी एडवाइस हर टू डू, व्हाट टाइप ऑफ लाइट यू फोरसी इन 5000। ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखेंगे आप अभी आगे। व्हाई डिड शी थिंक इल ऑफ सेकंड मैन, व्हाई डिड द गर्ल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम फर्स्ट मैन, व्हाट इज हैरीज फिलोसफी, हाउ डिड क्रीटन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, कंपेयर द करेक्टर्स ऑफ जनरल पावर एंड क्रीटन। उसके बाद व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस ड्यू टू विच शी हैड टू लीव हर कार। ठीक है, ग्रुप 2 में चलते हैं, 2014 के ही हैं, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस डैट फोर्स द गर्ल टू लीव हर कार, व्हाई डिड द, ये देखें दोबारा ये क्वेश्चन आया है सर्कमस्टांसेस वाला, व्हाई डिड द सेकंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, व्हाई कुडंट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। हाउ डिड क्रिएटन प्रूफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, ठीक है ये भी दोबारा आ गया। व्हाट इज द थीम ऑफ क्रिएटन स्टडी ऑन द अर्थ, व्हाट डज जनरल पावर एक्यूज क्रिएटन ऑफ। ठीक है, इसमें देखें ग्रुप 1 ग्रुप 2 में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो सेम है। इसके बाद आ जाते हैं, डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ प्ले द ओस्टर एंड द पर्ल, व्हाट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लेज फादर एंड मदर। 2015 है ग्रुप 1, हाउ डिड सेकंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, ठीक है देखो 2014 में आया 15 में दोबारा आ गया। व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स हर टू लीव द कार अगेन, व्हाई डिडंट शी अकंपनी द सेकंड मैन, हाउ डज क्रिएटन प्रूव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। आप खुद देखें 2014 के काफी क्वेश्चन जो है इसमें आ गए हैं। हाउ डज क्रिएटन इम्प्रेस द जनरल पावर पावर्स, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन द ईयर 5000 अगेन, व्हाट इज हैरिस फिलोसफी अगेन, व्हाट इज मिस मैक्चूचियन लुकिंग फॉर, हाउ डज शी फील अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ टाउन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये 2015 का ग्रुप 2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रॉम इन द प्ले हीट लाइटनिंग, व्हाई डिड द गर्ल डिक्लाइन द सेकेंड मैन ऑफर टू गो विद हिम टू बस। जी नेक्स्ट है, Why couldn't a girl describe the killer? ये भी 14 में आया था। What type of life do you foresee in the year 5000 again? What is the role of general Powell in play? What is the purpose of visit of Creighton? Why does Clay need money? What is Harry's philosophy? ठीक है, अब ये देख लें उसकी repetition आप। 2016 है ग्रुप 1 है, Why did the girl consider the first man helper? What was the condition of weather in the play of heat lightning? What is the purpose of Creighton's visit? Or what type of life do you see for in 5000? How damaging in violence is violence in life? Write 5 sentences. What kind of gadgets does the writer describe? What is the applicant's complaint about the sea? What did the clay find near Black Rock? ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं 2016 ग्रुप 2। अच्छा जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वेदर, ये भी पहले आया 15 में। व्हाई डिड द गर्ल नॉट वांट टू गो टू पुलिस, हाउ डज क्रिएटन इंप्रेस जनरल पावर, ये 14 में आया, 15 में भी आया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ विजिट ऑफ क्रिएटन, 15 में आया, दोबारा आ गया। व्हाट इज द रोल ऑफ जनरल पावर इन द प्ले, ठीक है आप देखें काफी क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लीजिए। व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डज मिस मैक्यूचियन वॉन्ट, व्हाई डू दे वॉन्ट वॉजिक टू कम,
वट डज हैरी एडवाइज मिस मैकचूचियन टू डू। 2017 में ग्रुप वन वाई गर्ल कुड नॉट डिस्क्राइब द किलर, ये फिर आ गया क्वेश्चन। वाई डिड द गर्ल कंसिडर द फर्स्ट मैन हर हेल्पर, ये भी दोबारा आ गया। वट इज द पर्पज ऑफ क्रिटन विजिट, ये भी दोबारा आ गया। वाई डिड द गर्ल बिकम्स सस्पिशियस ऑफ फर्स्ट मैन एज प्ले प्रोग्रेस। हाउ डिड क्रिटन इम्प्रेस जनरल पावर, ये भी अगेन आ गया। ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ मिस स्पेल्डिंग। वट वॉज हैपन टू क्लेस पार्टनर, वट इज हैरीज फिलोसफी ऑफ लाइफ। ठीक है, अभी देख लें कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इनको एक दफा जरूर देख लेना पेपर देने से पहले। वाई कुड नॉट, अभी 2018 है ग्रुप वन ग्रुप टू, इनके क्वेश्चन को लाजमी फोकस कीजिए क्योंकि ये आप लोगों के रिसेंट ईयर में आए हुए हैं। वाई कुडंट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, ठीक है ये भी क्वेश्चन। वट वॉज द रीजन दैट द गर्ल डिड नॉट अकंपनी सेकंड मैन, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। वाई डिड द गर्ल सी इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ क्रिटन्स विजिट, ये भी देखें दो तीन दफा आ गया। कैन द पीपल ऑफ अर्थ कम्प्लीट विद दोज ऑफ क्रिटन, हाउ डज क्रिटन इम्प्रेस जनरल पावर, ये भी तीन चार दफा आ गया। हु इज द राइटर ऑफ द प्ले द ओस्टर एंड द पर्ल, एंड वेयर डज द प्ले टेक प्लेस। हाउ मच डिड हैरी प्ले पे फॉर हिज बार्बर शॉप, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इन ओके बाय द सी। ठीक है, ग्रुप टू, वट वर द सर्कमस्टांसिस डेट फोर्स द गर्ल टू लीव हर कार, ये भी बहुत दफा आया है। वट वॉज द कंडीशन ऑफ वेदर इन द प्ले, ये भी दूसरी दफा आ गया। वट वॉज द गर्ल इंप्रेशन अबाउट द सेकंड मैन, ये भी सेकंड मैन वाला आ गया। वट इज द पर्पज ऑफ क्रिटन्स विजिट, ये भी आ गया। हाउ मच डैमेजिंग इन इज वॉयलेंस इन लाइफ, ये भी दो साल पहले आया, आई थिंक 15 में आया है, सॉरी 16 में ही आया है वॉयलेंस वाला, तो ये दोबारा 18 में आ गया। वट इज द, अच्छा वट इज़ द रोल ऑफ जनरल पावर इन प्ले, ये भी देखे दो तीन दफ़ा आ गया। वट इज़ द हैरीज़ फिलोसफी, है तो मेरे ख्याल में इन पाँच सालों में चार दफ़ा आ चुका है। हाउ मच हैरी चार्ज फॉर हेयर कट, ये भी दो दफ़ा आ गया। अब देख लें 2018 तक आते आते सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो पिछले चार सालों में आ गए। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इन पाँच सालों के क्वेश्चन जो इनको अच्छी तरह देख लेना है। अगर आप लोग सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो आप इनको लाजमी कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अगर आप मुकम्मल तैयारी के साथ पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आप लोग इनको लाजमी गो थ्रू कर लेना ताकि जो है ये फ्रेश हो जाए आपके माइंड में। अच्छे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम इंटर पार्ट वन के क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छी अच्छी तैयारी कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।